एवरी वन आज के इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे महाभारत इससे पहले हम लोगों ने अभी जाना शकुंतला जो किया था यूनिट वन से यूनिट फोर तक मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा है तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो एंड इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे महाभारत सो यूनिट वन द महाभारत एंड ओबर सो ऑब्जेक्ट इज इंट्रोडक्शन द स्ट्रक्चर ऑफ द महाभारत द कॉम्प्लेक्स नरिटिज़ द क्वेश्चन ऑफ Authorship and reworking of the na uh, narrative and folk tale, fables, and pra uh, parables in the Mahabharata, social life at the time, the Mahabharata as a literary text, the role of fate and change, the meaning of Dharma, the law, uh, con con contemporary interpretations of the Mahabharata. Let us sum up. Uh, hints to check your progress. Glossary. Okay. Objectives start. Karte. The aim of this unit is to acquaint you with the diverse, uh, des desire. Uh, डायवर्स मटेरियल दैट इज़ अवेलेबल ऑन द एनशियट इंडियन एपिक द महाभारत ओके सो हम लोग इसमें इस वाले जो यूनिट में हम लोग देखेंगे कि जो डायवर्स मटेरियल वगैरह है एंड जो भी चीज़ अवेलेबल है एनशियट इंडियन एपिक महाभारत में एंड इट इज़ टू प्रोवाइड यू विद परस्पेक्टिव ऑन द इंटायर टेक्स अलॉन्ग विद द रिपीटेशन ओवर द सेंचुरीज तो अगर हम लोग महाभारता को देखें तो so वो काफ़ी रिपीट हुआ है मतलब अलग अलग ऑथर्स ने अपने अपने स्टाइल में लिखा है सो so, ये जो सेंचुरीज से ही मतलब बहुत ज़्यादा रिपीट होता है एंड सदन एलिमेंट्स परटेनिंग टू द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ द हैज बीन डिस्कस्ड इन इन ऑर्डर टू क्लियरली डिफाइन द नेचर ऑफ द टेक्सट विच वुड हेल्प अस टू अलाउ इवेल्यूएटिंग इट बेटर एज बीन स्टूडेंट्स ऑफ लिटरेचर वी ऑलसो नीड टू डेवलप क्रिटिकल स्किल्स तो हम लोग एज हम लोग स्टूडेंट हैं लिटरेचर के तो हम अब हमको क्रिटिकल स्किल्स के बारे में पता होना चाहिए एंड जो ये जो एपिक है मतलब जो महाभारता जो एपिक है वो एक्चुअली हम लोगों को एक औरल जो हम लोग ओरली काफ़ी बार सुन चुके हैं सो so वो उस फॉर्म में है एंड उसको बाद में संस्कृत में लिखा गया था तो इन दिन द नेक्स्ट सेक्शन वी शेल इंट्रोड्यूस द महाभारता एज अ टेक्सट नॉट द कॉमिक फॉर्म और द टी वी सीरियल वर्जन ओके सो इधर बोला है कि हम लोग जो रियल एपिक है जो uh, मतलब हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे रियल एपिक को अगले uh, अगले यूनिट में सो so, मतलब हम लोग वो जो टीवी सीरीज में वगैरह जो कॉमिक वर्जन देखते हैं या फिर कुछ और वर्जन देखते हैं वो नहीं रियल एपिक देखेंगे सो इंट्रोडक्शन द महाभारत इज द नेम ऑफ एन इंडियन ओरल एपिक टू बिगेन विद अ कंपाइल्ड ट्रेडिशनलली इन संस्कृत लेटर ऑन चैरिटिंग द स्टोरी ऑफ अ फैमिली इवोल्व इन अ टे सेल दैट लीड्स टू अ बैडल ओके सो यहाँ पर जो महाभारत है वो एक इंडियन औरल एपिक है औरल एपिक इसलिए क्योंकि हम लोग औरली ही मतलब अपने ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह से सुनते हुए आ रहे थे एंड उसके बाद व्यास मोनी जी ने उसको लिखा था सो विथ अम कंप्लाई ट्रेडिशनली इन संस्कृत लेटर ऑन उसके बाद उसको संस्कृत में लिखा गया था एंड चर्टिंग टू चर्टिंग द स्टोरी ऑफ अ फैमिली इवॉल्व इन अ तेसिलेट लीज टू अटल बिकॉज एक फैमिली जो थी उनके बीच में एक बैटल हुआ था लाइक like उनके जो मतलब कौरावास और पांडवास के बीच में जो लड़ाई हुई थी कुरुक्षेत्र वॉर वहाँ पर सो या यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि जो महाभारत है ना जो स्टोरी है वो एक एक्चुअली किंगशिप के ऊपर है कि लाइक like, दोनों ही जो भाई लोग थे उनके बीच में जो लड़ाई हुई थी बिकॉज ऑफ लाइक वहाँ के जो किंगशिप uh, के लिए कि कौन डायनेस्टी संभालेगा एंड इट इज़ दस द स्टोरी ऑफ अ फैमिली क्रूएल इज़ इन वेरी इवॉल्व इवॉल्विंग द टू वार्निंग क्रुप द कौ कौरवास एंड द पांडवास ओके सो दो ग्रुप्स थे कौरवास और पांडवास तो उनके बीच में लड़ाई हुई थी एंड द सक्सेशन कंफ्लिक्ट्स कंफ्लिक्स बिटवीन विद युधिषिरा सिक्स फेयर्स शेयर फॉर द पांडवास रूल ऑफ अ मेयर फाइव विलेजेस ओके ये हम लोग अगले यूनिट में देखेंगे जब हम लोग जब स्टोरी देखेंगे ना उस समय अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन देखना हम लोगों को इट इज़ बिलीव दैट इन एन अर्लियर टाइम द वर्क हैज़ वाज कॉल्ड जया तो हम लोग अर्लियर टाइम में अगर देखें तो इस वर्क को हम लोग जया कहते थे बिकॉज जया मीन्स विक्ट्री दैट दैट इट वॉज अ पोएम ऑफ ट्रेम्प विच रिकाउंटेड द टेल ऑफ अंग हु विंस ओवर द रि किंग्स मैन ओके सो जया मीन्स विक्ट्री विक्ट्री मीन्स जीत जाना एंड ओबियसली वही एंड महा ओके यहाँ पे अलग अलग क्या है महा मीन्स द ग्रेट एंड भारता मीन्स स्टोरी जो स्टोरी था वो भारत एक्चुअली भारत जो था वही तो जो डायनेस्टी का स्टार्ट था मतलब डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी भारत से सो so भारत जो है इसीलिए हम लोग उस स्टोरी को भारत बोलते हैं महा मींस द ग्रेट उसका मतलब होगा द ग्रेट स्टोरी एंड हैविंग सेड दैट बाय वे ऑफ एन इंट्रोडक्शन टू द इट इज़ इट इज़ बट पेशेंट दैट वी लुक एट वॉट एंड एपिक इन इन नेक्स्ट ओके सो एपिक मतलब क्या होता है सो so, एपिक जो होता है उसमें एक हीरोइक पोएम होता है बहुत ही बड़ा होता है बहुत ही लंबा पोएम होता है एंड सीरियस सब्जेक्ट मैटर ओके सो एक सीरियस सब्जेक्ट मैटर पे होता है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ सीरीज ऑफ इवेंट्स बट हैज़ एटलीस्ट वन मेजर हैपनिंग एट डिटमाइंस द फेट ऑफ ह्यूमैनिटी एट लार्ज ओके सो हम लोग फेट ऑफ ह्यूमैनिटी एट लार्ज मतलब एक फेट ऑफ ह्यूमैनिटी और एक पर्टिकुलर एक ईवेंट होता है एंड एटलीस्ट एक ना एक कुछ हैपनिंग्स होता है जो ह्यूमैनिटी को दिखाता है एट लार्ज एंड एपिक्स आर ऑफ एन ऑफ़ नेशनल और यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस एंड डील विथ वॉरियर्स लेजेंड्स फोक टेल्स एंड हिस्टोरियंस ओके द सेटिंग ऑफ द एपिकज़ यूजली ग्रैंड एंड इवाल्व्ड सुपर ह्यूमन एक्शंस ओके अगर हम लोग देखें तो ये एपिक जो होता है नेशनल और यूनिवर्सल उसमें वॉरियर्स लेजेंड्स फोक टेल्स और हिस्टोरियंस को दिखाया जाता है एंड उसके ऊपर ही डील करते हैं एंड द सेटिंग ऑफ एपिक इज यूजली ओके सो जो सेटिंग होता है एपिक का वो यूजली बहुत ही बड़ा होता है बहुत ही ग्रैंड होता है एंड सुपर ह्यूमन एक्शंस होता है ऑब्वियसली जो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है गॉड एंड गॉडज लोगों का अपियरेंस होता रहता है सो वो सुपर ह्यूमन जो चीज़ें होती हैं वो सब इसमें एपिक में हम लोग को देखने को मिलता है डिप्लिक्स लार्जर देन लाइफ सेंसेस वे डिस्क्रिप्शन लॉन्ग स्पीचेस एंड एलेबोरेट ग्रीटिंग्स degradation as also uh, hardships, long ar arduous journeys and misadventure uh, uh, misadventures, okay so ye sab hota hai and the uh, epic uh, encompasses a large time frame that may include generations and ages okay so यहाँ पे इतने बड़े time frame का होता है कि इसमें generations लग जाते हैं ages लग जाते हैं एपिक्स को होने में एंड इट इज़ वाइड रेंजिंग इन टाइम एंड स्पेस एज ऑल्सो इन द कास्ट ऑफ कास्ट ऑफ कैरेक्टर्स ओके सो यहाँ पे हम लोग बहुत वाइड रेंज में देख सकते हैं टाइम स्पेस और फिर कैरेक्टर्स uh, uh, का जो कास्ट वगैरह होता है वो सब एंड इट इज जेन जेनर जेनरिक इंट्रोडक्शन टू द एपिक फॉर्म एज मोर ऑफ अर्स विल नो

ने पिछले वाले जो वा, मतलब पिछले वाले ब्लॉक में अभी चाना शकुंतला में देखा था कि लॉर्ड शिवा के प्रेयर से हम लोगों ने स्टार्ट किया था मतलब उस प्ले को एंड वैसे ही जब एपिक लिखा जाता है तो उसमें भी गॉड का जो प्रेयर होता है वो एक्चुअली वो काम नरेटर का ही होता है वो जो एपिक का जो शुरुआत होता है ना एक प्रेयर से होता है एंड द नरेटर हु देन सेट्स द एपिक इन मोशन उसके बाद जो नरेटर होता है ना वो एपिक को स्टार्ट करता है मतलब मोशन में लाता है द नरेटर में

ओके थीम और क्वेश्चन जो होता है ना रिलेटेड वो सब भी बोलता है एंड इट वुड इट वुड इट कुड ओपन एंड डिबेट ऑन वॉर एंड जस्टिस सिंस बोथ आर इम्पोर्टेंट थीम्स इन एपिक सो ये uh, ये जो होते हैं ना नरेटर जो वो डिबेट में भी लेके आते हैं वॉर या जस्टिस में एंड वो दोनों ही थीम्स इंपॉर्टेंट होती है एपिक्स में सो so, uh, उसके बाद होता है एपिसोडिक इन नेचर ओके सो एपिक जो होता है वो एपिसोडिक होता है एपिसोड वाइज होता है एंड एपिक हैज सेवरल एपिसोड सच कनेक्टेड टू द ऑर्डर बट इच विथ इट्स ओन बिगिनिंग एंड एंडिंग ओके सो मतलब सबकी एक बिगिनिंग होती है और एंड होता है सो so, मतलब सारे एपिसोड्स होते हैं अलग अलग एपिसोड होते हैं एंड बहुत सारे एपिसोड्स में एपिक को लिखा जाता है एंड सब एक बिगिनिंग होती, होती है और एंड होती है वाइज दिस एपिसोड हैव अ बियरिंग ऑन वन अनादर दे आर लॉजिकली कंप्लीट इन थी सो लॉजिकली सारे एपिसोड्स अपने में ही ख़त्म होते हैं मतलब अपने में ही पूरा होता है दिस इज एन एसेंशियल क्वालिटी ऑफ एन एपिक तो ये एक एसेंशियल क्वालिटी है एपिक का एंड ग्रैंडी uh, इसका मतलब होता है द स्टाइल ऑफ एन एपिक इज फॉर्मल एंड ग्रैंडी व्हिच विच मीन्स नरेशन मस्ट बी बोथ ग्रैंड इन स्कोप एंड एलोक्ट इन एक्सप्रेशन ओके सो जो फॉर्मल और ग्रैंडली क्लोन जो होता है ना तो मीन्स मतलब जो नरेशन मज़ भी बहुत मतलब नरेशन जो होगा वो बहुत ग्रैंड भी होगा एंड मतलब ग्रैंड होगा स्कोप में एंड एलिकुंट इन एक्सप्रेशन सो एलिकुंट होगा एक्सप्रेशंस में एंड द ए पेक वर्ड रिजेक्ट ऑर्डिनरी स्पीच इन फेवर ऑफ ऑर्डीन टरी एंड स्टाइल लैंगवेज इट वुड ऑफेन हैव एपिक कन्वे एंड एपिकीज ओके सो सेमिलीज एंड मतलब एपिक कन्वे और एपिकमिलीज भी होगा एंड ओके um, okay, यही होगा एंड okay, so हीरोकेगा उसमें हीरोज़ होंगे एंड हीरो के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर कुछ एक्स्ट्रा पावर होगा एंड उनका वो एक्चुअली गॉड्स के साथ उनका से uh, मिल, मिला मिल मिलाप होता रहेगा एंड द हिरो ऑफ़ द एपिक एबल

नॉलेज वगैरह के लिए वो आते रहेंगे एंड देर इज़ यूनियन बिटवीन द ह्यूमन अच्छा यूनियन होगा डिवाइन जो गॉड्स हैं और ह्यूमंस में एक यूनियन बैठ जाएगा एट द सेम टाइम द हीरोज आर नॉट मेर ऑब्जर्वस ऑब्जर्वर्स ऑफ स्पेक्टेटर्स ऑफ इवेंट्स ओके सो ह्यूमस जो होंगे वो स्पेक्टेटर्स या इवेंट्स होंगे मतलब हीरोज uh, जो होंगे ना वो स्पेक्टेटर्स और इवेंट्स में ऐसे आएंगे पर उनके जो गॉड uh, वगैरह होंगे ना वो भी उनकी हेल्प करने के लिए आएंगे एंड दे आर जैसे हम लोगों ने देखा होगा ना कि कृष्णा जो थे कृष्ण जी एंड इवन व्यास मुनी जी भी ऐसे मतलब गॉड uh, थे पर एक हीमन अवतार में वो धरती पर आए थे एंड दे आर पार्टिसिपेंट्स इन एजेंट्स ऑफ चेंज ज तो वो पार्टिसिपेंट्स दें चेंज में एंड दिस कैरेक्टर्स वर्क आउट इन देयर माइंड्स द डिफरेंट परस्पेक्टिव एंड टेक डिसीजन एज वेल एज एक्ट ऑन देम सो वो टेक मतलब डिसीजन्स लेने में भी वो करते हैं और एक्ट भी करते हैं एंड उनके जो कैरेक्टर्स हैं ना वो मतलब बहुत सारे प्रस्पेक्टिव में आते हैं एंड ओके okay, सो so महाभारत में जैसे कृष्ण जी आए थे और खुद व्यास जी भी आए थे वही सब लिखा हुआ है एंड अगर uh, हम लोग आगे देखें तो या द यूरोपियन आइडिया ऑफ द एपिक कैन नॉट बी अप्लाइड इन द महाभारत पर से इवन एज द टेक्स्ट हैज़ एपिक डायमेंशन एंड अप्लॉय एंड डिप्लॉयज़ फ्रीली द कैरेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एपिक ओके सो so, यही सब लिखा हुआ है एक्चुअली इंट्रोडक्शन उतना मस्ट नहीं है क्योंकि ये तो इंट्रोड्यूस करना काम होता है सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा एंड मेक श्योर लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना बाय